हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है, और ऑटो इम्यून किस डिजीज को बोलते हैं? ऐसी कोई भी डिजीज जिसमें आपका इम्यून सिस्टम ही आपके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर रहा है, आपकी बॉडी सेल्स के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर रहा है, उसी को हम ऑटो इम्यून बोलते हैं। इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो आपका बॉडी का जो पार्ट सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है वो क्या है? आपके जॉइंट्स, ठीक है। अदर देन जॉइंट यानी आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर आपका इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, आपके हार्ट पे भी फर्क पड़ता है, आपके लीवर पे भी फर्क पड़ता है, स्किन पे फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें हमें देखनी है, इवन मसल्स में भी फर्क पड़ता है। बट जो मेन पार्ट आपकी बॉडी का आपका इन्वॉल्व होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, वो क्या है? जॉइंट्स। ओके, नाउ आपने देखा होगा, आपने दो टर्मिनोलॉजी साथ साथ आप लेके चलेंगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। ये दोनों ही आपके जॉइंट डिसऑर्डर है, कोई इनमें डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है? दोनों ही आर्थराइटिस हैं, ठीक है। अब बात आती है पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, ठीक है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में सबसे ज्यादा जो आपके जॉइंट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, जॉइंट्स रहेंगे आपके नी, आप बोल सकते हो नी जॉइंट हो गया आपका, ठीक है। आपके जो आपके फीट में जो जॉइंट है वो आ जाएंगे, आपके हैंड जॉइंट आ जाएंगे। और अगर हैंड जॉइंट की मैं बात करती हूँ, ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिकली कौन कौन से आते हैं आपके? सबसे पहले मेटाफेरेंजियल जो जॉइंट्स है आपके, मेटाकार्पल और आपके फेलेंजस के बीच के जो ये जॉइंट्स हैं, ये आ जाएंगे। और सबसे सेकेंड नंबर में आ जाएगा आपका ये प्रॉक्सिमल जो जॉइंट है, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, ठीक है। तो इन ये दोनों का, इनका इन्वॉल्वमेंट आपका किस में रहेगा? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। कौन कौन से हैं? प्रॉक्सिमल, ठीक है, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, देन मेटा इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स यानी कि जो मेटाकार्पल और फेलेंजस के बीच में है, और इसके अलावा जो रिस्ट जॉइंट है आपके वो भी इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में आपका सबसे ज्यादा जो जॉइंट आपके हैंड के इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से हैं? डिस्टल और प्रॉक्सिमल दोनों, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपने क्या देखा था? जो डिस्टल आपके इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, केवल आपका प्रॉक्सिमल इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। और अगर इसके सिम्टम्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके केस में आप देखोगे आपका जो ये डिस्टल वाला जॉइंट है ना, ये फ्लैक्स हो जाता है लाइक दिस, ठीक है। ये वाला जो जॉइंट सबसे ऊपर है, ये डिस्टल जॉइंट इंटरफेलेंजियल, ये फ्लैक्स कर जाएगा, और जो ये प्रॉक्सिमल है ये हाइपर एक्सटेंड हो जाएगा। तो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो स्वान नेक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है आपका? कौन सा जॉइंट फ्लेक्स करता है? ये वाला। कौन सा है ये? आपका प्रॉक्सिमल जो आपका इंटरफेलेंजियल जॉइंट है, इसमें ऐसे फ्लेक्स हो जाएगा, मुड़ जाएगा, और ये आगे वाला क्या हो जाएगा आपका? पूरा एक्सटेंड हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। ये वाला मुड़ेगा और ये आगे का पूरा हाइपर एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगर सिम्टोमेटिक आप डिफरेंस देखना चाहें तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक केस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में, हमारा जो डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है वो मुड़ रहा है, बाकी का पीछे का पूरा हाइपर एक्सटेंडेड रहेगा। जबकि आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में जो हमारा सेकंड जॉइंट रहता है, प्रॉक्सिमल जो जॉइंट है आपका, ये आपका क्या रहेगा? फ्लेक्स रहेगा और आगे का पूरा आपका हाइपर एक्सटेंडेड रहेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, अगर आप एनाटॉमिकली डिफरेंस देखना चाहें कि भाई रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस के बीच में क्या डिफरेंस है। बात ये आती है क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है स्पेसिफिकली आज का? रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस कभी और डिस्कस करेंगे। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है आपका, आप देखेंगे पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो एटलीस्ट 1% पॉपुलेशन इससे अफेक्ट होती है, ठीक है, अगर एपिडेमियोलॉजी के हिसाब से हम देखें। और जेंडर वाइज देखें तो वुमेन जो है ज्यादा अफेक्टेड होती है देन द मेन, ठीक है। तो वुमेन में चांसेस क्या होते हैं इसके होने के? ज्यादा रहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक चीज तो आप समझ गए कि भाई इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट बेसिकली, वो कौन सा है आपका? प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, मेटाकार्पल और फेलेंजस के बीच का जो मेटाकार्पो इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स है वो इन्वॉल्व रहेंगे, रिस्ट जॉइंट रहेंगे, इसके अलावा बाकी मैं बता चुकी हूँ, फीट में भी सेम यही इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक है। अब बात ये आती है, इसमें आप देखोगे इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है, वो है अल्नर डेविएशन। अल्नर डेविएशन क्या होता है? जब आपका जो हाथ है, आपके फिंगर्स हैं, जब आपका पूरा फिंगर्स लिटिल फिंगर की तरफ मुड़ जाती हैं,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, अल्नर डेविएशन। जैसे अभी ये हाथ है बिल्कुल सीधा है ना, स्ट्रेट है, अगर ये मेरी सारी फिंगर, लिटिल फिंगर, इस फिंगर की तरफ मुड़ जाएंगी तो इसे क्या बोलेंगे आप, अल्नर डेविएशन, क्योंकि ये मेरी अल्ना, जो अल्ना बोन है उसकी तरफ जा रहा है। ऐसे ही अगर रेडियल डेविएशन की बात करूँ तो रेडियल के केस में अपोजिट, इस साइड मुड़ेगी, यानी कि मेरे थंब की साइड पे आपका क्या होगा, सारी की सारी फिंगर मुड़ जाएंगी, इसको हम बोलते हैं रेडियल डेविएशन। बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, आपका अल्नर डेविएशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भाई होता क्यों है, हमने बोला ऑटो इम्यून है। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी, हमारी खुद की सेल्स, स्पेसिफिकली जो हमारी जॉइंट्स की सेल्स है उनके अगेंस्ट क्या बना रही है, एंटीबॉडी बना रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका बहुत एक्सट्रीम पेन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है किसका, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे कि जो हमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हमें पता है ऑटो इम्यून है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये आर्थराइटिस हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे थियोरीज दी हुई हैं, वो थियोरीज हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि आरए का जो आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके क्या क्या आपके क्या है। अगर हम किसी इंसान को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है तो आपको उसकी जॉइंट पे क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या चेंजेस आप देखेंगे, तो पहले हम उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला आपका क्या है, आरए के पेशेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, पेन एंड इन्फ्लामेशन। ठीक है, जो जिसको भी आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा उसके जॉइंट में आपको पेन और इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड आपका क्या होगा, जो जॉइंट है और जो कार्टिलेज है, ठीक है, दोनों आपको दिखेंगे कि वो डैमेज हो रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड जो आपका रहेगा मैनिफेस्टेशन वो क्या है, जॉइंट एंड कार्टिलेज डैमेज या इरोजन आप बोल सकते हो। और लास्ट आपका जो रहेगा वो है एंजियोजेनेसिस। आप देखोगे जो आपके जॉइंट्स हैं वहां पे आपकी नई ब्लड वेसल्स बननी फॉर्म हो रही है, एंजियोजेनेसिस। और ये आपको अगर ध्यान है तो ये सारे साइन है आपके, ये इन्फ्लेमेशन की स्टेज होती है बेसिकली। आप देखते होगे इन्फ्लेमेशन में भी क्या होता है, एंजियोजेनेसिस होने लगती है, इसीलिए जो भी आपका एरिया इन्फ्लाम्ड होता है वो वहां पे रेडनेस दिखाई देती है क्योंकि नई ब्लड वेसल्स फॉर्म हो रही है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है किसके, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। तो लाइक अगर ये हमारे पास बोन है, जॉइंट कैसे बनाएंगे हम, ये आपका दो हम बोन दिखा रहे हैं, ठीक है, ये बोन है, ठीक, इसके बीच में आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे नीचे आपका क्या होता है, कुशन टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो इसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। ये क्या है, कार्टिलेज। अदर देन कार्टिलेज और क्या क्या हमारे पास प्रेजेंट होता है, बोन को पूरी तरह से बाहर से कौन कवर करके रखता है, इस तरीके से जो जॉइंट्स है बेसिकली जो दो बोन को बीच में जोड़ रहे हैं, इसको पूरी तरह से कवर कौन करके रखती है, बाहर से आर्टिकुलर कैप्सूल। ठीक है, ये क्या है हमारी, आर्टिकुलर कैप्सूल। विद इन कैप्सूल हमारा जो जॉइंट को और एक और मेम्ब्रेन कवर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से जो भी ग्रीन कलर से शो कर रही हूं, दिस इज नोन एज साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और साइनोवियल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है बेटा, साइनोवियल मेम्ब्रेन में आपके ऑब्वियसली सिनोसाइट्स प्रेजेंट होंगी, सेल्स प्रेजेंट होंगी, जो क्या बनाती है, एक फ्लूइड बनाती है। ठीक है, और ये फ्लूइड यहाँ पे आपका जॉइंट में, दो बोन के बीच का जो जॉइंट है वहां पे ये फ्लूइड आ जाता है, इसको क्या फ्लूइड बोलते हैं, सिनोवियल फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम क्या होता है, जो जॉइंट है इसको लुब्रिकेटेड रखता है, एज वेल एज जो जॉइंट के यहाँ पे जो सेल्स होंगी उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है और प्रोटेक्टिव भी है साथ में। तो ये हमारा क्या है, एक आप बोल सकते हो जॉइंट की एनाटॉमी है। ठीक है, तो होता क्या है, देखो जो आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में क्या होगा, आपका क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको जॉइंट के आसपास जो स्पेशली जो आपकी ये सिनोवियल मेम्ब्रेन है इसमें आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से मैं इन्फ्लामेशन को दिखा रही हूं, सपोज ये इन्फ्लामेशन है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो आपका जो सिनोवियल मेम्ब्रेन है इसमें आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। और इसी इन्फ्लामेशन, क्योंकि आप जानते हो
इन्फ्लामेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होंगे, आपके केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसकी वजह से आपको इन्फ्लामेशन तो हो ही रहा है साथ में पेन भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि जो ये कार्टिलेज आपको दिख रहा है जो कुशन की तरह वर्क कर रहा है, ये भी आपका इसका इरोड होना स्टार्ट हो जाएगा, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आरए में होता है, अभी हम देखेंगे कि कैसे होता होगा क्योंकि एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी हमें नहीं पता है, हम समझने की कोशिश जरूर करेंगे कि ऐसा क्या हुआ होगा कि ये प्रोसेस हुई होंगी, ठीक है, वो हम समझेंगे जरूर। और थर्ड क्या है आपका एंजियोजेनेसिस, जो ये आपका सरफेस है यहाँ पे क्या होंगी आपकी नई ब्लड वेसल्स इस तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, जॉइंट में इस तरीके से नई ब्लड वेसल्स फॉर्म हो जाएंगी। सो ये क्या है आपका एंजियोजेनेसिस है, ठीक है, ये भी हम समझेंगे कि भाई जो आपका, इसलिए मैं बोल रही थी कि रेडनेस जो दिखाई देती है आपकी, ठीक है, जॉइंट्स में, वो इसी की वजह से है क्योंकि नई ब्लड वेसल्स आपकी फॉर्म हो रही हैं, ठीक है। आगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या होता है। तो ये तो था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि चलिए अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ये जो हुई है ना तीनों चीजें, ये हुआ है जो, वो किस वजह से हुआ होगा, ठीक है। वजह समझने से पहले एक बार हम इसको क्या करते हैं, ये तो केवल क्या है आपका एक मैक्रोस्कोपिक व्यू है बाहर से दिखने का कि भाई दो बोन्स है उनके बीच का जॉइंट है, मेम्ब्रेन है इस तरीके से, ये तो हमें बाहर से दिख रहा है। माइक्रोस्कोपिकली एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस पेशेंट के जॉइंट में क्या क्या प्रोसेस हो रही होती है इसे हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी सेल्स वहां पे प्रेजेंट होती हैं और वो क्या कर रही होती है, क्योंकि वहीं से हमें क्लियर होने वाला है। फिर हम देखेंगे कि भाई वो सेल वहां पे आई कैसे, ठीक है। तो देखो इसी को मैं, इस पोर्शन को जो ये वाला हिस्सा है आपका जो साइनोवियल मेम्ब्रेन, हम कह रहे हैं ना कि यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हुआ है, इसी को जूम आउट करके हम देख रहे हैं। सो ये मान लो वो एरिया है, मैं थोड़ा सा इसे ब्रॉड बनाऊंगी सो दैट हमारी पूरी प्रोसेस यहाँ पे कवर हो जाए, ठीक है। चलिए बोन है हमारी, ठीक, ये हमारा सिनोवियल मेम्ब्रेन में जो सिनोसाइट्स प्रेजेंट होता है ना वो हम बना रहे हैं। सिनोसाइट्स बेसिकली फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स होती है, ये वो सेल्स हैं। केवल मुझे यही दिखाना है कि ये प्रोसेस आपकी हो रही है, ठीक है। ये हमारी सिनोवियल मेम्ब्रेन है सपोज, ठीक है, मेम्ब्रेन हो गई। यहीं पे हम और भी एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं सो दैट अगर कोई और प्रोसेस हमें बतानी हो मेम्ब्रेन के थ्रू तो हम उसे बता सके, ठीक है। ये केवल बेटा आपको समझाने के लिए है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या क्या और क्या क्या स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं, कार्टिलेज का इन्वॉल्वमेंट भी है तो मैं इस तरीके से कार्टिलेज को भी बना दे रही हूं। सपोज ये हमारा क्या है, कार्टिलेज है, ठीक, इसी के अंदर लिख देते हैं, चलिए कार्टिलेज, कार्टिलेज हो गया। ये हमारे क्या है, सिनोसाइट्स हैं क्योंकि साइनोवियल मेम्ब्रेन में जो आपकी प्रेजेंट सेल्स होती हैं, तो ये फिब्रोब्लास्ट सेल होती है तो मैं सीधे इन्हें फिब्रोब्लास्ट ही लिख देती हूँ, ठीक है। ये सेल्स हैं आपकी फिब्रोब्लास्ट सेल्स, कहाँ हैं ये आपकी, साइनोवियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं, ठीक है, केवल स्ट्रक्चर पे फोकस करना। ये हमारी बोन है, ठीक है, जिसमें कार्टिलेज है ऑब्वियसली, ठीक। अब देखते हैं क्या क्या सेल्स आपको, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट आपके सामने है तो उसके जॉइंट्स में आपको क्या क्या सेल्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहली सेल जो आपको देखने को मिलेगी वो है, ये है, कौन सी है ये, मैक्रोफेज, ठीक है। मैक्रोफेजेस आपको देखने को मिलेंगे कहाँ, जॉइंट में, ठीक है, यहाँ पे आपको मैक्रोफेज देखने को मिलेंगे। अब ये मैक्रोफेज कर क्या रहे होंगे एग्जैक्टली, सेल होती है हमें पता है, मैं बता दूं आपको पहले ही, मैक्रोफेज होती है, टी सेल्स आपको जॉइंट्स में देखने को मिलेंगी, एक्टिवेटेड टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट, एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट जो कि प्लाज्मा सेल हैं वो भी देखने को मिलेंगी जो एंटीबॉडी बनाती हैं। इसके अलावा आपको न्यूट्रोफिल्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके और भी सेल्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब हम इंडिविजुअल देख रहे हैं कि भाई ये सेल आती कहाँ से है वो सब अभी भूल जाइए, अभी हम ये देख रहे हैं कि ये सेल एग्जैक्टली करती क्या है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये प्रोसेस हो रही है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। इनका माइग्रेशन कैसे होता है वो आज भी आपका अनक्लियर है, वो नहीं पता है हमें कि एग्जैक्टली ये सेल्स यहाँ पे कैसे आई, जॉइंट में कैसे आई,
वो प्रोसेस के लिए जो थ्योरी है वो मैं आपको जरूर बता दूंगी, बट जो आपकी एक बार सेल आपके जॉइंट में आ गई उसके बाद ये क्या करती है वो सब हमें पता है, तो वही हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। चलिए वन बाय वन सारी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रोफेजेस की। ये मैक्रोफेज क्या करते हैं जॉइंट के अंदर, ये बेसिकली क्या करते हैं अपने अंदर से साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं, कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, उनमें कौन कौन से हैं देखो, TNF अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, Interleukin-1 एंड Interleukin-6, ये हैं आपके केमिकल मीडिएटर्स साइटोकाइंस जो कहां से रिलीज हुए, मैक्रोफेज जिन्हें रिलीज करती है। और ये अभी यहाँ पे समझना, इनको इतना याद रखना जरूरी क्यों है, क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो आप देखोगे ट्रीटमेंट इन्हीं जो आपके मॉलिक्यूल्स है इन्हीं को टारगेट करता है, ठीक है, तो इसलिए समझ के चलिएगा। तो मैक्रोफेज ने क्या किया होगा जॉइंट के अंदर, इन केमिकल मीडिएटर्स को रिलीज किया होगा मैक्रोफेज एक्टिवेट होने के बाद ऑब्वियसली। जब अब ये केमिकल मीडिएटर्स क्या करते हैं देखो, सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो ये फिब्रोब्लास्ट सेल आपको दिख रही है ना, ये क्या कर देते हैं इन फिब्रोब्लास्ट सेल का प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये फिब्रोब्लास्ट सेल क्या होने लगेंगी, प्रोलिफरेट होने लगेंगी। प्रोलिफरेशन सबको पता है डिवीजन होने लगेगा इन सेल्स में, ठीक है, एक्सेसिव डिवीजन होगा। अब ये प्रोलिफरेशन से क्या होता है देखो, जो ये प्रोलिफरेशन की प्रोसेस हुई है ना, फिब्रोब्लास्ट सेल जो प्रोलिफरेटेड फिब्रोब्लास्ट सेल है, ये क्या करती है, ये हमारे स्पेसिफिक लिगेंड, मैंने आपको पढ़ाया था जब बोन रिमॉडलिंग में आपको पढ़ा रही थी, रैंकल पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, अगर आपने बोन रिमॉडलिंग का लेक्चर देखा हुआ है तो आपको ध्यान होगा कि रैंकल जो है आपका रिसेप्टर एक्टिवेटेड न्यूक्लियर फैक्टर कापा भी, ठीक है, ये जो आपका लिगेंड है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी क्या होती है, आपकी बोन का टूटना, पढ़ा था ना बोन जब आपका रिजॉर्प्शन होता है उसके लिए ये लिगेंड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो होता क्या है देखो, जब फिब्रोब्लास्ट सेल में प्रोलिफरेशन होता है ना, इस प्रोलिफरेशन की वजह से ये लिगेंड का एक्सप्रेशन आपका बढ़ जाता है, यानी कि ये लिगेंड ज्यादा से ज्यादा बनेगा। और जब भी ये लिगेंड ज्यादा होता है तो आप ध्यान में रखेंगे, हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारी ऑस्टियोक्लास्ट सेल है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो हमारे जॉइंट में हमारी बोन में जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल होती है आपकी, ये क्या हो जाती है आपकी एक्टिवेट हो जाती है। और आप जानते हो ऑस्टियोक्लास्ट अगर एक्टिवेशन होगा तो सीधे सीधे क्या होगा, आपका जो आपका जॉइंट है, या फिर मैं यहीं पे सीधे लिख देती हूँ ये बोन है, ठीक है, तो क्या होगा आपका बोन इरोजन होगा, बोन टूटने लगेगी, इसमें से आपका कैल्शियम रिलीज होने लगेगा। ये प्रोसेस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है, किसी भी वजह से अगर रैंकल आपका जो रैंक लिगेंड है, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट के सरफेस पे इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, अगर किसी भी तरीके से आप इसके लिगेंड को एक्टिवेट करा दें तो ये जाएगा ऑस्टियोक्लास्ट सेल में, जो इसका रिसेप्टर है उससे बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होगी, यानी कि जो बोन रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, बोन डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इससे बोन क्या होगी, वीक होगी या नहीं होगी, समझ में आया पूरा प्रोसेस, ठीक है। अब बात आती है, और हाँ, ये जो रैंक लिगेंड की वजह से जो रैंक का लिगेंड का एक्सप्रेशन हुआ था उसके लिए फिब्रोब्लास्ट जो पॉलिफ्रेशन था वो तो इम्पोर्टेंट था ही, साथ में ये आपके जो साइटोकाइंस है ये भी इस चीज में हेल्प करते हैं, दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं, रैंक लिगेंड को एक्सप्रेस कराने का काम कर रहे हैं, सो दैट ये लिगेंड ऑस्टियोक्लास्ट सेल में जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड हो और बोन टूटे, आपका बोन का डीमिनरलाइजेशन हो। तो ये था आपका रोल ऑफ मैक्रोफेज इन जॉइंट। अब ये मैक्रोफेज आया कैसे ये अभी हमें नहीं पता, ठीक है, और एग्जैक्टली पता भी नहीं है, बट उसकी थियरी हम देख लेंगे। तो ये था मैक्रोफेज का रोल। अब बात करते हैं हम सेकेंड, आपका जो सेल है जो यहीं पे प्रेजेंट है आपकी जॉइंट में दिखती है वो कौन सी है, देखो ये है हमारी टी सेल। टी सेल सबको पता है क्या होती है, आपकी टी लिम्फोसाइट है ना। आप देखिए टी लिम्फोसाइट क्या करती है, जॉइंट में है टी लिम्फोसाइट, अब ये टी लिम्फोसाइट यहाँ पे क्या करेगी, तो ये एक्टिवेटेड, और हमेशा ध्यान रखना ये मैं एक्टिवेटेड फॉर्म की बात कर रही हूँ, ठीक है, टी सेल एक्टिवेट हो चुकी है, जैसे मैंने बोला था ना मैक्रोफेज एक्टिवेट हो चुका है, तो ये जो एक्टिवेटेड टी सेल है ये क्या करेगी, ये अपने अंदर से एक स्पेशल साइटोकाइन को रिलीज करती है जिसका नाम है Interleukin-17। क्या है, Interleukin-17, ठीक है, यहाँ पे कौन था Interleukin-1 एंड 6, यहाँ कौन है 17, ध्यान रखिएगा।
अब ये इंटरल्यूकिन 17 क्या करता है? सबसे पहले तो ये क्या करता है, मैक्रोफेज एक्टिवेशन में हेल्प करता है, यानी कि मैक्रोफेज को क्या कर रहा है, ये आपका मैक्रोफेज की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, यानी कि ये पूरी एक्टिविटी जो हमने अभी तक डिस्कस की थी वो इसकी वजह से क्या होगी, एसिलरेट होगी, और भी ज्यादा होगी, यानी कि बोन इरोजन और भी ज्यादा होगा, कार्टिलेज और ज्यादा डैमेज होगा। इसके अलावा ये क्या करता है, देखो ये क्या करता है, सेम जो आपका इनने किया था, इन साइटोकाइंस ने किया था, वही ये भी करता है, फिब्रोब्लास्ट सेल प्रोलिफरेशन को बढ़ाता है। ठीक है, प्रोलिफरेशन जो हो रहा है फिब्रोब्लास्ट सेल का, उसे ये क्या करेगा, बढ़ेगा। अब यहीं पे मैं एक बात बता दूं आपको कि प्रोलिफरेशन की वजह से एक पॉइंट क्या होगा, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि रैंक लिगेंड का एक्सप्रेशन होगा। अदर देन दैट क्या क्या प्रोसेस यहाँ पे होती है, ये जो आपकी फिब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेट हो रही है ना लगातार, इनमें क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ये फिब्रोब्लास्ट होती है आपकी सेल्स, ये माइग्रेट कर जाती है फ्रॉम वन जॉइंट, माइग्रेट्स फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर जॉइंट, और यही कारण है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपका सिमेट्रिकल क्यों होता है, और इसमें अगर आप इसको एक टाइम पे अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो ये क्यों आपका जॉइंट से जॉइंट्स फैलता जाता है और ज्यादा से ज्यादा जॉइंट आपके इन्वॉल्व होते रहते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि सपोज ये एक जॉइंट है, ठीक है, ये आपका कौन सा है, ये वाला जॉइंट है, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है, वहां पे ये प्रोसेस हो रही है। अब वहां पे क्या हो रहा है, ये फिब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन हो रहा है, तो ये प्रोलिफरेटेड सेल इस जॉइंट से क्या होंगी, दूसरे जॉइंट में आपकी आगे चली जाएंगी, माइग्रेशन होगा। ठीक है, तो अभी जो प्रॉब्लम केवल प्रॉक्सिमल तक आपकी लिमिटेड थी, अब वो क्या होगी, आपकी मेटा इंटरफेलेंजियल जॉइंट में भी वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो इसे क्या बोलते हैं आपका, ये किस वजह से हो रहा है आपका, क्योंकि जो फिब्रोब्लास्ट सेल्स इतनी ज्यादा प्रोलिफरेट हो रही है, वो आपकी माइग्रेट कर रही है, ठीक है, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में जा रही है, तो वही प्रोसेस आपकी क्या होगी, आपकी बढ़ते रहेगी, क्योंकि आप जान रहे थे ना फिब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन की वजह से ही तो रैंक लिगेंड आपका एक्सप्रेस हुआ था और ये बोन इरोजन वगैरह हो रहा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब अगर आपके इस हैंड में पहले आपका इन्वॉल्वमेंट था, आपके इस हाथ में अगर आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो वो क्या होगा, आपका दूसरे हैंड में भी ट्रांसफर हो जाता है, सिमेट्रिकल है। ऐसा नहीं है कि बॉडी के एक ही साइड में ये प्रोसेस रहेगी, तो दोनों साइड ये आपका आपका अफेक्टेड रहेगा आपका। ठीक है, इसके अलावा वन मिनट, यस, अब इसके अलावा चलिए टी सेल का इन्वॉल्वमेंट भी हमने देख लिया। टी सेल के अलावा कौन सी सेल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, टी सेल के अलावा हमारे पास सेल है, चलिए अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपके साइटोकाइंस आपको दिख रहे थे ना, ये क्या करते हैं, देखो यहीं पे देख देते हैं, ये क्या करते हैं, इन फिब्रोब्लास्ट सेल्स को से क्या करते हैं, प्रोटीएज को रिलीज करवाते हैं। ठीक है, ये फिब्रोब्लास्ट सेल क्या करेंगी, प्रोटीएज को रिलीज करेंगी, किसके इन्फ्लुएंस में कर रही है ये रिलीज, इन फैक्टर, ये जो आपके आप बोल सकते हो जो ये साइटोकाइंस हैं, इनके हेल्प से फिब्रोब्लास्ट सेल्स जो है प्रोटीएज एंजाइम को रिलीज करेंगी। और प्रोटीएज आपको सबको पता होगा, प्रोटीएज क्या करता है, कार्टिलेज को क्या करेगा, डैमेज करेगा। ठीक है, प्रोटीएज का काम क्या है आपका, कार्टिलेज को डैमेज करना, और कार्टिलेज डैमेज होगा ना फिर और प्रोटीएज रिलीज होगा, तो ये पूरा क्या होता है आपका टर्नओवर चलता रहता है। देखो इस तरीके से बना देते हैं, तो जो ये आपका क्या था, ये साइटोकाइंस थे, इन्होंने फिब्रोब्लास्ट सेल को एक्टिवेट किया टू रिलीज प्रोटीएज, प्रोटीएज एंजाइम है जो क्या करेगा आपका प्रोटीन को तोड़ेगा, तो कार्टिलेज क्या होगा आपका डैमेज होता चला जाएगा, जितना ज्यादा कार्टिलेज डैमेज होगा तो इससे और भी ज्यादा प्रोटीएज रिलीज होके आएगा, और फिर जाके और भी कार्टिलेज जो है उसका डैमेज और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इनके अलावा, इन दोनों सेल्स के अलावा और कौन कौन सी सेल हमारी इन्वॉल्व होती है वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे एक और सेल मैं बना देती हूँ, ये है आपकी क्या, WBC, व्हाइट ब्लड सेल, और उसमें भी कौन सी, न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल क्या करती है बेटा, न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है, जब भी ये न्यूट्रोफिल का एक्टिवेशन होता है, जैसे ये ज्वाइंट में पहुंची आपकी, तो क्या होगा, ये अपने अंदर से क्या करेंगी, सेम प्रोटीएज को रिलीज करती है, प्रोटीएज को,
और साथ ही साथ ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को भी रिलीज करती है, और ये दोनों के दोनों क्या करेंगे अल्टीमेटली हमारे कार्टिलेज को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज सबको पता है फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स अगर हमारे जॉइंट्स में रहेंगे तो ये क्या करेंगे, जॉइंट को डैमेज करने का ही काम करेंगे, कार्टिलेज को डैमेज करेंगे, मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि न्यूट्रोफिल अगर हमारे जॉइंट में आ रहे हैं माइग्रेट होके किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से भी क्या होने वाला है, हमारा डैमेज ही होने वाला है। अदर देन WBC हमारे पास एक और सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो जॉइंट में ही आपकी बेसिकली, वो कौन सी सेल है आपकी, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, टी लिम्फोसाइट हमने देख लिया था, नाउ बी लिम्फोसाइट। अब ये बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, जब भी ये आपके बी लिम्फोसाइट एक्टिवेटेड होते हैं, स्पेसिफिकली ये प्लाज्मा सेल्स हैं, ठीक है, प्लाज्मा बी सेल, ये क्या करते हैं अपने अंदर से क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं एक तो, और साथ ही साथ साइटोकाइंस को भी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही काम ये कर रहे हैं, एंटीबॉडी भी बना दिए, साइटोकाइन भी रिलीज कर दिए, ये साइटोकाइन ही है, और आप जानते हो साइटोकाइन क्या कर रहे हैं, पूरी प्रोसेस हम समझ चुके हैं। और ये एंटीबॉडी क्या करेगी आपकी, एंटीबॉडी क्या करेगी, ये जो आपका जॉइंट है, जॉइंट में प्रेजेंट प्रोटीन को ये क्या मान के चल रहा है, एंटीबॉडी बनी ही क्यों होंगी, क्योंकि जॉइंट में जो हमारी क्या होती है प्रोटीन्स होती हैं, उन्हें ये क्या मानने लगता है, ऑटो एंटीजन मानने लगता है। ठीक है, हमारी सेल्स इम्यून सिस्टम उसे गलत रिकॉग्नाइज कर लेती है, तो वो क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। तो एंटीबॉडी अगर यहाँ पे आई है तो ऑब्वियसली ये एंटीजन से रिएक्ट करेगी, हमारे जॉइंट में प्रेजेंट स्पेसिफिक कुछ प्रोटीन्स होंगी उनसे रिएक्ट करेगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, और फाइनली जो इसका रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा इन्फ्लामेशन। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा हमें, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको और डिटेल में अभी देखेंगे हम आगे। और इसके अलावा आपको जॉइंट में और कौन सी सेल्स दिखाई देने वाली है, आपको जॉइंट में दिखाई देगा ऐसे ही मैं बना दे रही हूं, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। आपको इम्यून कॉम्प्लेक्सेस भी आपको जॉइंट में देखने को मिलेंगे, ऑल्दो इनका रोल हमें नहीं पता है कि ये कॉम्प्लेक्सेस करते क्या है। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, जब आपके आपके बॉडी में प्रेजेंट एक एंटीबॉडी दूसरी एंटीबॉडी के साथ कॉम्प्लेक्स बना रही है, वही आपका क्या है, इम्यून कॉम्प्लेक्स है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की खासियत ही ये होती है कि हमारी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में आपको इम्यून कॉम्प्लेक्स जॉइंट में देखने को मिलते हैं। IgM जो एंटीबॉडी है वो IgG एंटीबॉडी के साथ कॉम्प्लेक्स बना के साइनोवियल फ्लूड में, ये जो बीच में फ्लूड है उसमें डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, करती क्या है वो एक अलग मामला है, लेकिन ये आपका बोल सकते हो कैरेक्टराइजेशन, आप बोल सकते हो पहचानने के लिए। आप देखोगे लगभग आपके 75% जो आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनके जॉइंट्स में आपको ये कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, IgM विद IgG, ठीक हो गया, उसको भी अभी डिटेल में हम देखेंगे। तो ये था आपका सेलुलर इन्वॉल्वमेंट कि आपके जॉइंट में कौन कौन सी सेल्स आपको देखने को मिलती है एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में, और ये सेल्स क्या करती हैं, ये तो वेल नोन है। ठीक है, इसमें हमने कोई रिसर्च नहीं की है, ये सबको पता है कि मैक्रोफेज क्या करते हैं, टी सेल क्या करती है, बी सेल क्या करती है, लेकिन अब बात ये आती है कि भाई ये सेल्स जॉइंट्स में आई क्यों। ठीक है, क्योंकि हर किसी के जॉइंट में तो होती नहीं है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है उसके जॉइंट में ये सेल्स किस वजह से आई, ठीक है, कर क्या रही है, डैमेज हो रहा है, वो सबको पता है, आरए के सिम्टम्स हमें सबको पता है कि ये हो रहा होगा। ठीक है, अदर देन दैट एक पॉइंट यहाँ पे छूट रहा है, वो ये है कि आपको यहाँ पे इस तरीके से क्या देखने को मिलेगा, एंजियोजेनेसिस, नई ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलेंगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हमने लिखा था ना कि आपको जॉइंट की हम पूरा देख रहे हैं ना, कि माइक्रोस्कोपी देखी हमने, तो ये दिखेगा। और आप जानते हो ना एक बात कि अगर कभी भी किसी भी जगह पे इन्फ्लामेशन हुआ है, ये हमने बोला ना इन्फ्लामेशन हुआ है, और ये सारी प्रोसेसेस की वजह से, मैंने कहीं कंबाइंडली ज्वाइन नहीं किया बेटा, सारी प्रोसेसेस की वजह से क्या हो रहा है आपका, इन्फ्लामेशन ही तो हो रहा है सेल के अंदर। ठीक है, ज्वाइंट के अंदर तो इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात आपको पता होगा, किसकी वजह से हमारी वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी इनहेंस हो जाएगी, और जो ब्लड में प्रेजेंट जो भी आपकी सेल्स हैं, ठीक है, जो भी सेल्स आपकी ब्लड में प्रेजेंट हैं, चाहे वो आपकी मैक्रोफेज है, टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है, WBC है, ये आपकी आसानी से माइग्रेट कर जाएगी कहां, जॉइंट में। तो इस चीज को समझे आप,
आपको ये तो नहीं पता कि ये सेल्स पहले कैसे आई होंगी यहाँ पे, क्योंकि इन सेल्स के आने के बाद ही तो इन्फ्लामेशन हुआ है अंदर। लेकिन इन्फ्लामेशन होने के बाद और ज्यादा सेल्स का माइग्रेशन कैसे हुआ होगा, ये आपको समझ में आ रहा है कि भाई अगर किसी भी वजह से जॉइंट में इन्फ्लामेशन हुआ है तो जो नई ब्लड वेसल्स बनी है या फिर उस एरिया में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं आपकी, उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। जब भी इन्फ्लामेशन होता है हमने पढ़ा है परमेबिलिटी बढ़ती है, तो आसानी से जो ब्लड में प्रेजेंट जो सेल्स हैं वो कहाँ आ जाएंगी, हमारी ज्वाइंट में आ जाएंगी और इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगी। ठीक है, दिमाग में वो रखना है बात, बस ये रखो दिमाग में कि हमें ये नहीं पता ना कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, बाद में क्या हुआ ये तो हमें पता है कि भाई इन सेल्स की वजह से इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन की वजह से वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ी और भी ज्यादा सेल्स हमारे जॉइंट में आई और ये डैमेजिंग इफेक्ट शो कर रही हैं। अब बात ये आती है कि भाई इनका माइग्रेशन फर्स्ट इंस्टेंस में कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें पता है, टी लिम्फोसाइट हमारे ब्लड में है, बी लिम्फोसाइट हमारे ब्लड में है, डब्ल्यू बी सीज हमारे ब्लड में है, न्यूट्रोफिल स्पेसिफिकली जो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है जिनका, मोनोसाइट्स जो कि मैक्रोफेज में कन्वर्ट होती हैं आपकी, वो भी यहीं पे हैं। ब्लड में तो सारी सेल्स हैं, हर किसी इंडिविजुअल के ब्लड में है, लेकिन इनका एक्टिवेशन क्यों हुआ, ऐसा क्या बॉडी में हो गया कि हमारा ये जो सेल्स हैं ये एक्टिवेट हो गई और एक्टिवेट होने के बाद इन्होंने ये सारी प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। हर किसी के साथ तो नहीं होता ना, तो अब हम यही देखेंगे कि भाई जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट हमने देख लिया, ठीक है, हमने सेल्स का इन्वॉल्वमेंट देख लिया कि कौन कौन सी सेल्स आपकी होती है। अब ये हम देखने वाले हैं कि आपके जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है एग्जैक्टली उसमें जो ये सेल्स का माइग्रेशन हो रहा है जॉइंट्स में वो कैसे हो रहा है। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि भाई इसकी कोई भी आपका एक एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी नहीं है, हमें नहीं पता कि माइग्रेशन एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, बट इससे रिलेटेड एक थियोरी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है, जो बता रहा है कि ये माइग्रेशन जो एक्टिवेटेड सेल है ये कैसे हमारे जॉइंट में माइग्रेट होके गई, ठीक है, और जाके क्या किया ये तो आपने देख लिया, इसको तो अब कुछ रह नहीं गया इसमें डिस्कस करने के लिए, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या हुआ बॉडी में ऐसा। इसे भी हटा देते हैं, ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। चलिए अब हम बात करते हैं कि माइग्रेशन कैसे हुआ, उससे रिलेटेड जो थियोरी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो पहली बात, एग्जैक्ट थियोरी तो हमें पता नहीं है, तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, हमारी जो सेल्स होती है, ठीक है, हमारी जो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करती हूँ मैक्रोफेजेस की, मोनोसाइट्स की, ठीक है, इनका या फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी जिसे बोलते हैं, ठीक है, इनके सरफेस में क्या होता है आपका एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक एंटीजन तो ऐसा होता है कि जो फॉरेन होता है, ठीक है, आप सपोज आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आया, वायरस ने एंट्री ली, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करती हैं, फटाफट से उस वायरस या बैक्टीरिया को इंगल्फ करती हैं, इंगल्फ करने के बाद अपना, क्योंकि सेल्स के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम है तो उसका डिग्रेडेशन होता है जो भी वायरस बैक्टीरिया है, और उसके जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट होते हैं वो अपने सरफेस में जाके एक्सप्रेस कर देती है, यही तो होता है। सपोज ये अगर आपकी मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज है, ठीक है, इस तरीके से बाहर क्या था, ये वायरस था या बैक्टीरिया था, ये सेल के अंदर एंटर किया, एंटर करने के बाद ये जो मैक्रोफेज है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसके अंदर इसका क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन क्योंकि लाइसोसोम ऑब्वियसली आपके प्रोटीलिटिक एंजाइम इसके अंदर होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इस तरह से ये टूट गया, और टूटने के बाद ये क्या करेगा, सीधे इस तरीके से इस मैक्रोफेज के सरफेस में जाके ये पेप्टाइड्स क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेस हो जाएंगे, और यही पेप्टाइड को टी सेल आइडेंटिफाई करेगी, और फिर आपका टी सेल एक्टिवेट होगी और साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होगी, फिर बी सेल एक्टिवेट होगी, ये सब बताया था मैंने आपको, है ना, तो ये हमारा नेचुरली ये क्या हुआ, फॉरेन एंटीजन के साथ हुआ कि जे बाहर से कुछ आ गया। लेकिन होता क्या है, हमारी सेल्स के अंदर भी आपकी क्या होती है, आपको पता है सेल्स के अंदर भी क्या हो रहा है, आपका लगातार प्रोसेस चल रही है, ठीक है, तो जो हमारी सेल के अंदर जो प्रोटीन्स होती है, स्पेसिफिकली जो हमारी खुद की प्रोटीन है, उनका भी ब्रेकडाउन होता है, और सेम वे इसी सेल के अंदर मैं दिखा रही हूँ, सपोज ये आपकी एक प्रोटीन है जो हमारे सेल के अंदर की प्रोटीन है, ठीक है, बाहर से नहीं आई है,
ये भी क्या होगा अंदर, इसका भी लाइसोसोमल जो एंजाइम है इसका भी फ्रेगमेंटेशन करेंगे और ये भी जाके हमारी सेल सरफेस में एक्सप्रेस हो जाएंगे। ये हमारे क्या होते हैं, सेल्फ एंटीजन होते हैं। ये तो क्या था, एंटीजन था जो कि फॉरेन है, ये हमारा क्या है, सेल्फ एंटीजन है। ठीक है, तो होता क्या है, देखो ये जो सेल्फ एंटीजन है इसे टी सेल रिकॉग्नाइज नहीं करती। ठीक है, नॉर्मली अगर टी सेल यहाँ पे आएगी, सपोज ये हमारी टी सेल है, अगर ये टी सेल आएगी भी ना, इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं ऑब्वियसली, तो अगर ये टी सेल यहाँ पे आएगी भी तो ये सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, इसीलिए यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन ये टी सेल इस एंटीजन को जरूर रिकॉग्नाइज करेगी जो कि फॉरेन एंटीजन है, और एंटीजन क्या होगा फिर, एंटीजन किससे बाइंड होगा, इससे बाइंड होगा लाइक दिस। ये मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझाई हुई है, ठीक है, इस तरीके से देखो रिसेप्टर से बाइंडिंग होगी, एंटीजन और आपका टी सेल ये दोनों बाइंड हुए, और बाइंड होने के बाद आपकी क्या होगी, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होगी। तो साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होने की वजह से क्या होगा, आपका ये जो एंटीजन है ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो अपने सरफेस में एंटीजन लेके आई थी वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ साइटोकाइंस भी रिलीज होंगे। साइटोकाइंस क्या करेंगे, हमारी बी सेल्स को मैसेज पहुंचाएंगे कि भाई कुछ ना कुछ आपका फॉरेन एंटीजन बॉडी में आया हुआ है, तो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करो। तो बी सेल एक्टिवेट होके क्या करेगी, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगी और एंटीबॉडी प्रोडक्शन होने लगेगा। तो अब एंटीबॉडी बन चुकी है बॉडी में, तो ये एंटीजन जहां पे भी मिलेगा एंटीबॉडी उसे खत्म करने का काम करेगी। यही होता है ना, हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे ही काम करता है। अब देखो क्या होता है, इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो थियरी पोस्टुलेट की गई वो ये है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में क्या होता है कि जो ये सेल्फ एंटीजन है ना इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। जनरली हमारा इम्यून सिस्टम इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है सेल्फ एंटीजन को, इसीलिए कोई रिएक्शन नहीं होती है। जो आपका टी सेल एक्टिवेशन हो रहा है, साइटोकाइन प्रोडक्शन हो रहा है, या बी सेल एक्टिवेशन हो रहा है, एंटीबॉडी बन रही है, ये कुछ नहीं होता है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा है बॉडी में जिसकी वजह से ये जो सेल्फ एंटीजन है इसमें मॉड्यूलेशन आ जा रहे हैं, और इसके मॉडिफिकेशन की वजह से अब क्या हो रहा है, जो हमारी टी सेल है वो इस एंटीजन जो कि हमारा खुद का एंटीजन है जिसके अगेंस्ट कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट भी रिएक्शन होनी स्टार्ट हो गई है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आप खुद सोचो, सपोज ये सेल आपकी कौन सी है, सिनोवियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट आपकी सिनोसाइट है, ठीक है, सिनोवियल मेम्ब्रेन की सेल की बात मैं कर रही हूं। अगर ये सेल वो है और अगर उसके सरफेस में जो सेल्फ एंटीजन है वो मॉडिफाई हो जाए तो फटाफट क्या होगा बेटा, टी सेल्स क्या करेंगी, उसे रिकॉग्नाइज करेंगी जिसे वो पहले नहीं किया करती थी, और ये रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो इस बात को, ये थियरी दी गई। तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हो क्या रहा है आपका ऑटो इम्यून डिजीज में, क्या हो रहा है जो हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये सेल्फ एंटीजन जो है, ठीक है, जिसे हम ऑटो एंटीजन भी बोलते हैं, मैं यहां पे लिख देती हूँ ऑटो एंटीजन, जो कि हमारे सेल का खुद का एंटीजन है, इसमें क्या हो रहा है आपका मॉडिफिकेशन हो जा रहे हैं। और स्पेसिफिकली ये मैं कहां की बात कर रही हूँ, ये कौन सी सेल्स की बात कर रही हूँ, इन केस ऑफ, क्योंकि हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, तो ये ऑटो एंटीजन मॉडिफिकेशन कहां पे हो रहा है, हमारी जॉइंट में प्रेजेंट जो सेल्स हैं वहां पे हो रहा है, उन सेल्स के सरफेस में। ऑब्वियसली जॉइंट में जो हमारी अगर मैक्रोफेज है तो उसमें हो रहा होगा, या फिर आपके जो कार्टिलेज की जो सेल्स हैं, ठीक है, कार्टिलेज वहां पे हो रहा होगा, या फिर हमारी सिनोवियल मेम्ब्रेन में। तो ये जो सेल्स हैं इनके सरफेस में आपका स्पेसिफिकली ये जो एंटीजन है आपका जो कि रहता है आपका, मैंने बताया आपको कि हमारी सेल्स के सरफेस में ही इसका क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है सेल्फ एंटीजन का। ये मैंने मैक्रोफेज का एग्जांपल लिया था, किसी और सेल की भी आप बात कर सकते हो, सब सेल में ये हो रहा है। तो स्पेसिफिकली होगा क्या, जो हमारा सेल्फ एंटीजन है उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है ना। सेल्फ एंटीजन मॉडिफिकेशन की वजह से होगा क्या, ये तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या होगा, ये साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होगी, टी सेल रिकॉग्नाइज करेगी। तो मैं पहले इसी के नीचे का सीक्वेंस पर देख लेती हूँ, ठीक है। ऑटो एंटीजन मॉडिफिकेशन की वजह से क्या होगा, हमारी टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी, टी सेल एक्टिवेशन, और इससे पहले यस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो मैंने बताया नहीं, ठीक है, क्या होगा, हमारी एंटीजन जो प्रेजेंटिंग सेल है
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एपीसी जिन्हें बोलते हैं हम, ठीक है, ये क्या हो जाएंगी आपकी, एक्टिवेट हो जाएंगी। और एपीसी का काम क्या है, फटाफट से, अभी तक ये जब तक का क्या था, सेल्फ एंटीजन नॉर्मल था, तब तक एपीसी का रोल कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही एपीसी का एक्टिवेशन हुआ ड्यू टू ऑटो एंटीजन मॉडिफिकेशन, ये एपीसी सेल क्या करेंगी, टी सेल्स को एक्टिवेट कर देंगी। टी सेल्स जो हमारी टी लिम्फोसाइट है, इन्हें एक्टिवेट कर देंगी। नाउ ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये क्या करेंगी, अपने अंदर से ऑब्वियसली साइटोटॉक्सिक रिएक्शन तो होने ही वाली है, ठीक है, जो ये एंटीजन है इसे तो खत्म करेंगी ही करेंगी, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होगी। साथ ही साथ ये अपने अंदर से क्या करेगा, साइटोकाइन्स को भी रिलीज करेगा, साइटोकाइन आपके रिलीज होंगे। अब ये साइटोकाइन रिलीज होने से क्या आपको एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक है, साइटोकाइन रिलीज होने से एकदम से मैसेज किसके पास चला जाएगा, हमारी बी सेल्स के पास, बी लिम्फोसाइट्स हमारी एक्टिवेट हो जाएंगी। ये पूरी प्रोसेस इम्यून सिस्टम की है बेटा, पढ़ी होंगी आपने, ठीक है। बी लिम्फोसाइट एक्टिवेशन से क्या होगा, बी लिम्फोसाइट फटाफट से प्रोलिफरेट होंगे, प्लाज्मा बी सेल बनेंगी, और प्लाज्मा बी सेल सबको पता है क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। अब ध्यान रखेंगे कि जो ये एंटीबॉडी बनी है ना, ये दो टाइप की है, ठीक है, मेजरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में आपको दो टाइप की एंटीबॉडी देखने को मिलेंगी। तो ये दो टाइप की एंटीबॉडी कौन सी है, पहली देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था, बल्कि सबसे पहली कौन सी है आपकी, आईजीएम एंटीबॉडी, ठीक है, आईजीएम टाइप हो गया, इसको हम रूमेटॉइड फैक्टर भी बोलते हैं, रूमेटॉइड फैक्टर। तो पहली एंटीबॉडी जो बनी वो कौन सी है, आईजीएम बनी। दूसरी जो बनती है ना वो कौन सी है, मैं अभी बता दूं आपको, फिर इसका मैं बताऊंगी कैसे बनी है, एंटी सिट्रुलिनेटेड एंटीबॉडी, ओके। नाउ ये एंटी सिट्रुलिनेटेड एंटीबॉडी क्या है, ये जो आपका एंटीजन का मॉडिफिकेशन हुआ था ना बेटा, मैंने बोला था सेल्फ एंटीजन में कुछ मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, तो वो मॉडिफिकेशन जनरली क्या है, उस मॉडिफिकेशन में आपका क्या होता है मैं बता दूं, उसको बोलते हैं प्रोसेस को हम सिट्रुलिनेशन। सिट्रुलिनेशन में क्या होता है, इस एंटीजन में, ये जो सेल्फ एंटीजन है ऑब्वियसली प्रोटीन ही होगी, तो इसमें जहां पे आर्जिनिन होता है ना अमीनो एसिड, आर्जिनिन की जगह सिट्रुलिन आ जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सिट्रुलिनेशन, ठीक, जहां आर्जिनिन था उसकी जगह कौन आ गया, सिट्रुलिन। तो ये आपका सिट्रुलिनेशन होता है, ये जो ऑटो एंटीजन मॉडिफिकेशन हुआ है जनरली उसमें हुआ क्या है, सिट्रुलिनेशन हुआ है, आर्जिनिन की जगह सिट्रुलिन आ गया है, इसी वजह से प्रोसेस आगे बढ़ी है। तो इस जितनी भी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो ये आपका बन चुका है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगती है, यानी कि वो प्रोटीन जो सिट्रुलिनेटेड हो चुकी है, ठीक है, यानी कि जिन प्रोटीन्स में आर्जिनिन के बदले सिट्रुलिन आ चुका है, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेंगी। तो इसको बोलते हैं हम एंटी सिट्रुलिनेटेड एंटीबॉडी। और ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से मैंने बताया 75% जो आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस हैं उसमें आपको आईजीएम आपको दिखाई देगा, लेकिन ये और भी बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जिसमें आईजीएम एंटीबॉडी आपको देखने को मिलती है, लेकिन एंटी सिट्रुलिनेटेड एंटीबॉडी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सबसे सिग्निफिकेंट मार्कर है, ठीक है। अगर किसी भी जॉइंट में आपको एंटी सिट्रुलिनेटेड एंटीबॉडी दिख रही है, तो आप समझ लीजिए कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस है, ठीक है। तो एंटी सिट्रुलिनेटेड एंटीबॉडी मिलेंगी। अब क्या होगा, देखो, ये सपोज ये जो प्रोसेस थी, अगर ये हमारे ब्लड में हो रही है, ठीक है, ये हमें ये तो समझ में आया कि ये किस तरीके से हो रही है, अगर ये प्रोसेस हमारे ब्लड में हो रही है स्पेसिफिकली, तो होगा क्या, देखो, अब ये एंटीबॉडी बन चुकी है, ये जो एंटीबॉडी है आपकी माइग्रेट कर जाएंगी टू जॉइंट्स, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो, ये सारी जितनी भी सेल्स थी ना जिनका भी एक्टिवेशन हमारे ब्लड में हुआ था स्पेसिफिकली, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये जो ऑटो एंटीजन मॉडिफिकेशन है, हाँ, जॉइंट कार्टिलेज सिनोवियल मेम्ब्रेन में हो रहा है, बट एग्जैक्टली जो ये पूरा सेल्स वगैरह है ये तो हमारे ब्लड में है ना, ठीक है, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का एक्टिवेशन हुआ है ये भी हमारे ब्लड में है, टी सेल भी हमारे ब्लड में है, बी लिम्फोसाइट्स भी ब्लड में है। तो अल्टीमेटली ये पूरी प्रोसेस होने के बाद क्या हो रहा है आपका,
ये जो आपकी एंटीबॉडी बनी हुई है या टी सेल बी सेल, ये सारी की सारी कहाँ माइग्रेट कर जाएंगी? जॉइंट्स में। और यही तो हम समझना चाह रहे थे कि जॉइंट में माइग्रेशन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरी है। अब ये समझते हैं कि भाई जो ये ऑटो एंटीजन मॉडिफिकेशन हुआ है, हम कह तो रहे हैं कि ये जो हमारा सेल्फ एंटीजन है इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, यानी कि इसमें जहां पे आर्जिनिन था उसके बदले सिट्रुलिन आया है, तो ये मॉडिफिकेशन हुआ क्यों? हर किसी की बॉडी में ये मॉडिफिकेशन क्यों नहीं हो रहे हैं? तो इसके पीछे जो थियोरी दी गई वो क्या है? देखो, सबसे पहला पॉइंट जो बोला गया वो ये कहा गया कि ये किस वजह से हो रहा है। फर्स्ट रीजन जो हो सकता है वो है इपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये हो सकता है कि ये हमारे जीन लेवल में ही कुछ चेंज ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से ये मॉडिफिकेशन हुआ है। तो जीन लेवल इपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन में सबसे पहला तो रीजन यही आ जाता है कि भाई जेनेटिक्स, हमारे जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस जिन्हें भी है उनके जीन लेवल में ही कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका जहां पे आर्जिनिन होना चाहिए वहां सिट्रुलिन आ जाता है और यह इसलिए आपका एंटीजन मॉडिफिकेशन हुआ है। सेकेंड रीजन जो बोला जाता है वो है आपका स्मोकिंग। ठीक है, जो लोग स्मोक करते हैं वो उनके उनके केस में भी ये आपका इपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन यानी कि ऑटो एंटीजन मॉडिफिकेशन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट थिंग जो इम्पॉर्टेंट है, जो थर्ड पॉइंट है आपका स्पेसिफिकली कि एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन क्यों हुआ, तो इसमें आपका क्या होता है, जो हमारा जिंजिवाइटिस है, ठीक है, इसका आपका आता है आपका पोर फायरोमोनास जिंजिवेलिस। ठीक है, ये आपका बेसिकली पोर फायरोमोनास जिंजिवेलिस आपकी स्पीसीज है जिसकी वजह से जिंजिवाइटिस होता है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है, अगर किसी इंसान को इसका इन्फेक्शन हुआ है यानी कि जिंजिवाइटिस हुआ है तो उसकी वजह से भी ऑटो एंटीजन मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो ये तो था एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन और उसके कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि इन्हीं की वजह से हुआ होगा, बट हाँ ये फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये ऑटो एंटीजन मॉडिफिकेशन हुआ है। तो ये फर्स्ट थ्योरी है। और दूसरी थ्योरी क्या बोलती है, देखो दूसरी थ्योरी बोलती है अगर किसी भी इंसान को अगर इन्फेक्शन हुआ है, सपोज वो भी कहाँ पे, जॉइंट्स में। ठीक है, अगर जॉइंट्स में इन्फेक्शन हुआ है तो हमें पता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन आपका क्या होता है, बहुत सारे केमिकल मीडिएटर रिलीज होते हैं जिनकी वजह से फाइनली क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, ये हमें पता है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है। तो ये थियरी ये बोलती है कि जो आपका ये इन्फ्लामेशन हुआ है ना जॉइंट में, उसकी वजह से भी ऑटो एंटीजन मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो ये दो रीजन दिए गए। ठीक है, हालांकि इनका अभी भी रेलेवेंस पूरा आपका कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो दो थियोरीज है इनके हिसाब से ऑटो एंटीजन मॉडिफिकेशन के कारण या तो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन है, कुछ जीन लेवल में जाके कुछ मॉडिफिकेशन हो चुके हैं जिनके कारण मैं बता चुकी हूँ, या फिर आपका कोई इन्फेक्शन इंसान को हुआ है जॉइंट में जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हुआ और इन्फ्लामेशन की वजह से जो ये ऑटो एंटीजेंस है जो सेल सरफेस में प्रेजेंट है, स्पेशली सेल ऑफ जॉइंट, कार्टिलेज, सिनोवियल मेम्ब्रेन, इनमें क्या हो चुका है, आपका मॉडिफिकेशन हो चुका है, और इस मॉडिफिकेशन की वजह से जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो एक्टिवेट हुई। ठीक है, उनके एक्टिवेशन की वजह से क्या हुआ, आपका टी सेल एक्टिवेट हुई, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन हुई जिसकी वजह से एंटीजन तो वो ऑटो एंटीजन तो खत्म हुआ ही, लेकिन साथ में साइटोकाइन रिलीज हुए, साइटोकाइन रिलीज होने की वजह से बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हुए जिन्होंने एंटीबॉडी बनानी स्टार्ट की, और ये एंटीबॉडी जो फाइनली बनी ये फिर से आपकी माइग्रेट हो गए, कहाँ पहुंच गई, जॉइंट्स में पहुंच गई। क्योंकि मैंने बताया था आपको जब अभी हम सेल्स का इन्वॉल्वमेंट देख रहे थे कि जो जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो एंजियोजेनेसिस होती है, और इन्फ्लामेशन के टाइम पे आपका वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये सारी सेल्स जो एक्टिवेटेड सेल हैं जो अभी हमारे ब्लड में थी ये माइग्रेट हो गए, हमारी कहाँ चली जाएंगी, जॉइंट्स में जाएंगी, और जॉइंट में क्या करेंगी, अभी पढ़ा था हमने क्या क्या करेंगी, समझ में आ रहा है इस चीज को? तो इसका मतलब आर्थराइटिस में सेलुलर इन्वॉल्वमेंट तो क्लियर है, उसके रिलेटेड कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये पॉइंट कि जो ये ऑटो एंटीजन मॉडिफिकेशन हो रहा है सेल लेवल पे, ये किस वजह से हो रहा है, इसकी एग्जैक्ट पैथोफिजियोलॉजी पता नहीं है। तो ये है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस पैथोफिजियोलॉजी। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट की। ये तो थी आपकी जॉइंट में क्या हो रहा है,
वो हमने सब देख लिया। अब जॉइंट के अलावा भी हमारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में दिक्कत आती है, बॉडी के और ऑर्गन्स भी आपके इन्वॉल्व होते हैं, लाइक स्टार्ट करते हैं विद स्किन। स्किन में आप देखोगे नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नोड्यूल मतलब क्या होता है, स्किन के, आपकी स्किन है, स्किन के नीचे अगर कोई भी लंप बन रहा है जो कि आपका अगर 1 सेंटीमीटर साइज से ऊपर है या 1 सेंटीमीटर का साइज है उसका, तो उसे लंप बोल दिया जाता है, ठीक है, या नोड्यूल बोल दिया जाता है। तो स्किन में क्या होता है, आप देखोगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में उनकी स्किन में क्या होता है नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इफेक्ट अगर देखें हम, अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मैं इफेक्ट देखूं, तो हमने देखा ना कि ये साइटोकाइंस वगैरह बन रहे हैं, तो ये साइटोकाइन जनरली क्या करते हैं, आपका एथरोस्क्लेरोसिस इंड्यूस कराते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को भी डैमेज करने का काम करते हैं। तो आप देखोगे जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट है उसमें हार्ट रिलेटेड डिजीज, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, आपकी जो भी आपकी ये हार्ट डिजीज है, इनके होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। एंजाइना, ठीक है, तो हार्ट में भी इफेक्ट आपको देखा। मसल्स में क्या होता है, इन्फ्लामेशन की वजह से, क्योंकि पूरा आपने कंप्लीट देखा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में स्पेसिफिकली हो क्या रहा है, एट लास्ट इन्फ्लामेशन ही हो रहा है जॉइंट में, पेन एंड इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, आपका मसल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, इंसुलिन होते हुए भी मसल्स में अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है, तो मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज का अपटेक हो रहा है वो नहीं होगा, ठीक है, जो इंसुलिन की प्रेजेंस में ही होता है। तो जब मसल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा तो मसल्स को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा, मसल वीकनेस, ठीक है। अगर मैं बोन्स की बात करूं तो बोन्स में आप देखोगे ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, अभी मैंने दिखाया था आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कैसे बोन ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी आपकी बढ़ रही थी जिसकी वजह से बोन इरोजन हो रहा था, तो वही तो है ऑस्टियोपोरोसिस, तो आपकी ऑस्टियोपोरोसिस आपको देखने को मिलेगी। और अगर मैं बोन मैरो की बात करूं तो बोन मैरो में आपको थ्रोम्बोसाइटोसिस देखने को मिलेगी। थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब आपका जो आपकी प्लेटलेट काउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगेन हार्ट रिलेटेड डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कोई पॉइंट, यस हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीवर में, आप देखोगे अगर मैं लीवर में देखूं तो जो हमारा सी रिएक्टिव प्रोटीन होती है उसका लेवल बढ़ जाता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन लीवर ही बनाता है इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट, तो आप अगर सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ है तो आप वहां से आइडिया लगा सकते हो कि इन्फ्लामेशन ज्यादा है, ठीक है, तो पहली बात ये। दूसरी बात क्या होता है, जो हमारी हेप्सिडीन प्रोटीन है ये भी लीवर ही बनाता है, इसका लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। और हेप्सिडीन का रोल मैंने आयरन ट्रांसपोर्ट में आपको बताया था, जब भी हमारे ब्लड में हेप्सिडीन का लेवल बढ़ता है उसकी वजह से आयरन का जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो हिंडर हो जाता है, रुक जाता है, तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा, अनीमिया, ठीक है। तो इसकी वजह से इंसान एनीमिक हो सकता है, और जब किसी को अनीमिया है तो अनीमिया की वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं, जिसका मतलब इंसान थका हुआ महसूस करेगा, डिप्रेस्ड फील करेगा। तो ये जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, डिप्रेशन या फटीग, ये इसका एग्जैक्ट तो पैथो नहीं पता, लेकिन ये बोला जाता है कि ये अनीमिया की वजह से ये आपकी दिक्कत आ रही है। तो ये है आपका, यस हाँ, ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट है कि आपका जॉइंट के अलावा बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स अफेक्ट होते हैं और उनकी वजह से क्या दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये था रूमेटॉइड अर्थराइटिस पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग ट्रीटमेंट पे फोकस करेंगे, तो अगेन अगर ट्रीटमेंट हमें पढ़ना है तो पैथोफिजियोलॉजी का पता होना जरूरी है, क्योंकि आप देखोगे ट्रीटमेंट में यही सारे टारगेट होने वाले हैं, जितने भी हमने साइटोकाइंस पढ़े हुए हैं ये टारगेट होंगे, ठीक है। अगर पेन इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली हम ऐसी मेडिसिन देंगे जो पेन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हो, है ना। इम्यूनिटी के ओवर एक्टिव होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो हम इम्यूनोसप्रेसेंट देंगे, जैसे स्टेरॉइड्स हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे डीमार्ट्स आते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर होते हैं, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर मैकेनिज्म, ओके, और विद देयर एग्जाम्पल ऑब्वियसली, कि कौन सा आपका एग्जाम्पल, कौन सी ड्रग है और कौन से मैकेनिज्म पे काम करती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।